भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, ये झूठों के सरदार है। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी नहीं मिला, 15-15 लाख देने का वायदा, मिला 15 लाख नहीं। बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था वोट लेने से पहले, वोट लेने के बाद ये जुमले बन गए 15 लाख 2 करोड़। अब क्या कर रहे हैं, त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह जाते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में। वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का, क्या राम मंदिर के पुजारी है आप, क्या राम मंदिर के वहां महंत है आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो, आप क्यों है, आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना, किसानों का दाम देना आपका काम है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, और एक खाई बढ़ा रहे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पादयात्रा कर रहे हैं।